ના બાળકો ધોરણ 3 વિષય હિન્દી હિન્દીમાં આપણે જોતા હતા પુનરાવર્તન પાઠ 4 નો બાળકો આપણે પાઠ 4 ના પુનરાવર્તનમાં આગળ શું જોઈ ગયા તો કે આગળ આપણે ચિત્રને જોઈને તેની સામે 3 ઓપ્શન આપેલા હતા તો તેની સામે જે સાચો ઓપ્શન હોય તેની સામે આપણે ખરાની નિશાની કરી હતી તો ત્યારબાદ આગળના પ્રશ્નમાં શું છે રિવિઝનમાં તો કે પ્રશ્ન 3 માં આપેલું છે ઉપર ચિત્ર જોવાનું તેના ઉપર નામ હશે અને તેની નીચે તમને અર્ધો શબ્દ આપેલો હશે અર્ધો મૂળાક્ષર આપેલો હશે અને બીજો તમારે જાતે લખીને તે આખો શબ્દ પૂર્ણ કરવાનો છે ક્યાં લખા હે ઇધર ગાય ઓર કિસકા ચિત્ર હે ગાય કા તો ઇધર ક્યાં લખા હે બચ્ચો આપકો ક્યાં દિખ રહા હે ખાલી જગહ ય હમ ક્યાં લખેંગે ઇધર ગા ક્યાં લખેંગે ગા ય હિન્દી લખ રહા હે તો હમ ક્યાં કરેંગે ઉપર लाइन खींचेंगे इस तरह से हमें ऊपर शब्द दिया है जो आपको शब्द लिखना नहीं आता पूरा तो ऊपर से देख सकते हैं इधर लिखा है य लिखा है उसके आगे हम क्या लिखेंगे गने कानो गा इस तरह से आगे का चित्र है बकरी का तो इस तरह से हमें आगे लिखा उसी तरह से आपको सारे वाक्य बनाने हैं पहली लाइन मैं आपको सिखा देती हूँ बाद में पूरा आपको अपनी गृह कार्य के बुक में अपने आप लिखना है इधर आपको बकरी का चित्र दिया है और ऊपर लिखा है बकरी और नीचे क्या कौन कौन से मूलाक्षर लिखे ब क खाली जगह हम कौन सा शब्द लिखेंगे र री बकरी इस तरह से आगे का चित्र है शिक्षक का ऊपर लिखा है शिक्षक और नीचे लिखा है खाली जगह क्ष क हम क्या लिखेंगे सी क्ष क उस तरह से आगे का चित्र है पुलिस का ऊपर लिखा है पू ली स और नीचे दिया है पुलिस का चित्र नीचे खाली जगह ली स हम क्या लिखेंगे पू और पूरा शब्द फिर से पढ़ेंगे पुलिस इस तरह से आपको सारे शब्द लिखने हैं आपको आ गया होगा अब तो हम पर क्या लिखा है कुम्हार कुम्हार यानी कि कुम्हार कुम्हार क्या काम करता है तो कि मिट्टी के घड़े आदि चीजें मिट्टी की वो बनाता है इधर लिखा है कुम्हार नीचे खाली जगह में क्या करना है आपको कु खाली जगह र हम क्या लिखेंगे म हा आधा म और हा इधर हमें लिखना है उस तरह से आगे का चित्र है संतरा इधर लिखा है सन हम क्या लिखेंगे त रा आगे का शब्द है म ट र खाली जगह ट र कौन सा वर्ण बाकी है लिखना म आपको इधर म लिखना है उस तरह से आगे का है से ब खाली जगह ब हम क्या लिखेंगे से ब उस तरह से आगे का है अमरूद इधर ऊपर लिखा है अमरूद इधर नीचे आपको कौन सा वर्ण लिखना है रू कौन सा वर्ण लिखेंगे हम रू क्योंकि इधर अम खाली जगह द अम द उतने वर्ण दिए हैं कौन सा वर्ण छूट गया क्योंकि बीच का रू छूट गया तो हमें आप बीच का वर्ण लिखकर पूरा शब्द बनाना है आगे का शब्द है अंगूर इसमें कौन सा वर्ण छूट जाता है आगे का अंग हम लिखेंगे इधर अंगूर आगे का वर्ण है शब्द लौकी खाली जगह की इधर कौन सा वर्ण लिखना बाकी रह गया है ओके लो की तो इधर लिखा है तो हम क्या लिखेंगे लो की आगे का वर्ण है आ हमें कौन सा वर्ण लिखना है चित्र किसका है आलू का हम क्या लिखेंगे इधर लू आलू उस तरह से आगे है बैंगन का चित्र हम क्या लिखेंगे इधर खाली जगह ग न कौन सा वर्ण लिखना बाकी रह गया है तो कि बैंगन बैंगन का बैंग इधर लिखेंगे बैंगन आगे का चित्र है भैंस का और इधर क्या लिखा है
खाली जगह स, हम क्या लिखेंगे इधर, भैंस। उस तरह से आगे का चित्र है ऊंट का, तो हम इधर क्या लिखेंगे, ऊंट। उस तरह से आगे का चित्र है डाकिया का, इधर हमें क्या लिखना है, डाकिया। उस तरह से आगे का चित्र है डॉक्टर का, हमें इधर क्या लिखना है, डा लिखा है खाली जगह र, हम लिखेंगे कट डॉक्टर। उस तरह से आगे का चित्र है दर्जी का, दर्जी क्या काम करता है, हमारे कपड़े सी देता है और हम वो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं। इधर लिखा है दर्जी। नीचे कौन सा वर्ण छूट गया है, जी वर्ण छूट गया है, दर लिखा है, हमें कौन सा वर्ण लिखना है, जी वर्ण लिखना है। उस तरह से आगे का चित्र है हलवाई का, हलवाई लिखा है, हलवाई। उस तरह से आगे का शब्द है बढ़ई, क्या कौन सा चित्र है, बढ़ई का चित्र है, लिखा है ब खाली जगह ई, हमें क्या लिखना है, ड। तो आपको क्या करना है बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर ये पुनरावर्तन जो मैंने करवाया वो आपको अपनी गृह कार्य की बुक में लिखना है, रिवीजन करना है। क्या करेंगे आप, पाठ का नाम लिखेंगे ऊपर और क्वेश्चन 3 ऐसा करके खाली स्थान में उचित वर्ण रखकर नाम पूर्ण करो, इस तरह से सूचना लिखना है। और आपको बॉक्स में गाय लिखना है और नीचे खाली जगह य, इस तरह से आपको पुनरावर्तन पूरा अपनी गृह कार्य की बुक में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, किसी किसी में से देखकर नहीं, अपने आप लिखना है। रिवीजन किसको बोलते हैं, जो बिना बुक में से देखकर लिखते हैं उसे रिवीजन हम कहते हैं। आगे का वीडियो हम आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन 4 यानी कि स्वाध्याय, स्वाध्याय का प्रश्न है वो।